और हम सबको इसका बेहद अफसोस है कि सैकड़ों जाने इस तबाही की नज़र हो गई, अल्लाह को प्यारी हो गई। 900 से जायद लोग अल्लाह को प्यारे हो गए, जिनमें बच्चे भी, ख्वातीन भी, बुज़ुर्ग भी, नौजवान भी। और इसी तरह अल्लाह ताला जो दुनिया से चले गए उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फरमाए, उन सब घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। और इसी तरीके से जो माल मवेशी जो पानी में बह गए हैं और घर तबाह, देहातों के देहात पानी की नज़र हो गए हैं। और अब मैं यहाँ पर इस जगह हम आए हैं और यहाँ पर यकीनन हुकूमत सिंध की बहुत और डॉक्टर्स मौजूद हैं, जो स्टाफ जो पैरामेडिक वो मौजूद है। मैं समझता हूँ कि यही निज़ाम हर जगह चलाया जा रहा है सिंध में, और इसके लिए मैं दाद देता हूँ जनाब शाह साहब को, चीफ मिनिस्टर साहब को, बिलावल भुट्टो साहब को, और तमाम जो इलाके के मौजूदियन हैं, खुर्शीद शाह साहब, सुमरो साहब, सब यहाँ पर मौजूद हैं। अल्लाह ताला आपको इसकी बहुत इंशाअल्लाह जज़ा अता फरमाएगा। अभी हम मिलने गए हैं उन बच्चों को, माओं को, जो कि यहाँ पर इस वक्त पनाह गुजीन हैं। पता नहीं किस किस इलाके इलाके से आए हैं। मुझे बताया गया कि सक्कर के कुर्ब जवार से भी अपना ख़ानदान यहाँ पर मौजूद हैं, और उनको खुराक और पानी और उसका इंतज़ाम उनको किया जा रहा है। मैंने और बिलावल भुट्टो साहब ने उन माओं से और बच्चों से गुफ्तगू की है, उनको यकीन दिलाया है कि इंशाअल्लाह उनके तमाम जो उनके जो मुतालबात हैं, इंशाअल्लाह हत्तुल मकदूर उनको पूरा करने की कोशिश की जाएगी, जिसमें उनके मकानात तबाह हुए हैं उनका जो मुआवजा है। जो लोग अल्लाह को प्यारे हो गए उनको तो 10-10 लाख रुपया वफाक से, और मुझे यकीन है अपना सिंध हुकूमत से भी उनको कॉम्पनसेशन दी जा रही है। लेकिन ये कोई कोई कॉम्पनसेशन नहीं है। जिनके प्यारे बिछड़ जाएं वो तो उम्र भर के लिए उनकी ज़िंदगी अंधेरी हो जाती है। लेकिन बहरहाल उन्होंने ज़िंदगी बसर करनी है, उनको ये हमारा फ़र्ज़ है कि मिलकर हम उनकी मदद करें। फसलें तबाह हो गई हैं, मकान तबाह हो गए हैं। आज से सिंध में जो 25,000 रुपया हमने तय किया था मुशावरत के साथ वफाक में कि फ़ी घर, ताकि फिल फौर वो कोई अपनी जो ज़रूरी चीज़ें जो वो ख़रीद सकें, तो 25,000 रुपया फ़ी घराना बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए आज से उसकी तरसील हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। क्योंकि ये बेहतरीन निज़ाम है जहाँ पर मुकम्मल डाटा मौजूद है, तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है। इससे बेहतर मैं समझता हूँ कि शफाफ निज़ाम और कोई इदारे में नहीं है। हमने इसलिए यहाँ पर ये 25,000 रुपया ये हमने फैसला किया कि इसी ये बिस्क के ज़रिए हम तकसीम करेंगे। आज से तकसीम शुरू हो जाएगी। और मैंने कल रात पाबंद किया है बिस्प के सेक्रेटरी को कि एक हफ़्ते के अंदर जो 28 अरब रुपया जो हम बिस्प के हवाले कर चुके हैं वो तकसीम हो जाए। और उसमें अगर एक हफ़्ते से ज़्यादा तख़ीर हुई तो फिर हमें अफसोस होगा। उन्होंने वादा किया है कि एक हफ़्ते में ये काम हो जाएगा, लेकिन ये मामला यहाँ पर नहीं रुका। बेपनाह चूँकि बारिशें हुई, बेपनाह तबाही हुई, इसमें ज़्यादा इजाफा हो रहा है और ये मामला 28 अरब रुपए से कहीं ज़्यादा जाएगा, जिसके लिए इंशाअल्लाह वफाकी हुकूमत इसके लिए तैयार है। इसके बावजूद कि माशी सूरत हाल वो पूरी कौम के सामने है कि पिछली हुकूमत ने जो माशी सूरत हाल को बर्बाद किया वो आपके सामने है। यहाँ पर ये सियासत का वक्त नहीं है, ये खिदमत का वक्त है। हमें खिदमत की बात आज करनी है, और इंशाअल्लाह हम सब मिलकर हम जो इत्तेहादी हुकूमत है जिसमें पीपल्स पार्टी है, PMLN है, JUI है, MQM है, BAP है, और BNP है, और दूसरी दीगर जमातें, इंशाअल्लाह मिलकर हम इंशाअल्लाह इस चैलेंज का मुकाबला करेंगे। आज अभी मैंने एक हेलीकॉप्टर में जाके
दौरा करना है, एक हमारे जगह पर बाकायदा प्रेजेंटेशन दी जाएगी वहाँ पर। मैं इंशाल्लाह फिर दौरे के बाद आज बिलावल भुट्टो साहब की मशावरत के साथ और वज़ीर आला साहब की मशावरत के साथ मैं कुछ ऐलानात भी करूँगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अपनी तरफ से और तमाम इत्तेहादियों की तरफ से कि इंशाल्लाह हम आपको इस मुसीबत वक्त में अकेले नहीं छोड़ेंगे और जब तक के आखिरी ख़ानदान अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो जाता हम इंशाल्लाह हम दिन रात मेहनत करेंगे। मैं सिंध हुकूमत को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ, शाह साहब आपको और जनाब चेयरमैन आपको, खुर्शीद शाह साहब आपको, JUI को, तमाम साथियों को। और मैं यहाँ पर वज़ीर आला वज़ीर जो बिजली हैं पावर खुर्रम दस्तगीर साहब के साथ लाया हूँ। ये यहीं रहेंगे सिंध में जब तक के बिजली घर चल नहीं जाते, पानी उतर नहीं जाता, ये यहीं रहेंगे। इनके साथ एक सीनियर एडिशनल सेक्रेटरी भी आए हैं ताकि जहाँ जहाँ मुमकिन हो वहाँ पर पानी उतरे और ये जो हमारे ग्रिड स्टेशन जाए वो चल पड़ें। ये यहीं होंगे इंशाल्लाह और दौरे करते रहेंगे। सिंध हुकूमत के साथ भी मेरे साथ भी इनका रबता रहेगा ताकि पूरी मामनत हो। अफवाज पाकिस्तान इसमें अपना भरपूर किरदार वो भी अदा कर रही हैं NDMA और PDMA के साथ साथ। NDMA दिन रात काविशें कर रही हैं, PDMA दिन रात काविशें कर रही हैं। मेरी कल रात सिपा सलार जनरल बाजवा से बात हुई थी, मेरी कल रात जो हमारे नेवल चीफ हैं नियाजी साहब उनसे मेरी बातचीत हुई थी टेलीफोन पर और उन्होंने दोनों ने मुझे कहा कि वो पूरी तरह उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दी हैं और आवाज़ पाकिस्तान की यूनिट्स दिन रात जहाँ जहाँ पानी है बोट चला रहे हैं, हेलीकॉप्टर। मुझे नेवल चीफ ने भी कहा कि हम सिंध हुकूमत से हमारे बड़ी क्लोज कोऑपरेशन है, इंशाल्लाह हम इसको इस तावन को मज़ीद यकीनी बनाएंगे इंशाल्लाह और मिलकर हम इस आफत का मुकाबला करेंगे। ये 30 साल में बल्कि 40 साल में सिंध में इससे बड़ी शायद शदीद बारिशें तूफ़ानी बारिशें नहीं हुई। मुझे 2010 का जो आया था सैलाब जनूबी पंजाब में वो मुझे अच्छी तरह याद है। आज जब मैंने ऊपर से फ़जाई दौरा किया तो ये उससे कम नहीं उससे ज़्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि इस वक्त में इम्तहान के वक्त में हम पूरी तरह जुट जाएं और मिलकर सियासत को एक तरफ करें, वो होती रहेगी, मिलकर हम दुखी इंसानियत का हाथ थाम लें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बाबुल भुट्टो साहब आप फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आज़म साहब हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि हमारा इस मुश्किल वक्त में जब पूरा सुबह हमारा इन मानसून के बारिशों की वजह से सैलाब से मुतासिर है आप यहाँ पहुँचे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये जो नुकसान आप देख रहे हो, मैंने तो अपना ज़िंदगी भी इतना नुकसान इतना तबाही कभी नहीं देखा है। जो हमारे रिकॉर्ड्स के मुताबिक जब से ब्रिटिशर्स हमारा रिकॉर्ड्स रख रहे थे बारिशों के, इससे ज़्यादा कभी नुकसान नहीं हुआ है। ना सिर्फ फसलों को नुकसान हुआ है, लोगों का घर को नुकसान हुआ है, शहरों को नुकसान हुए हैं तो देहातों को नुकसान हुआ है। हम आपका बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने ऐलान किया है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू हम सैलाब के मुतासरीन को मानसूनस के मुतासरीन को इमदाद पहुंचा रहे हैं। जितना भी जल्दी ये सिलसिला शुरू हो जाए इंशाल्लाह ताला उतना ही बेहतर होगा। जैसे आपको मालूम है कि सिंध में, जनूबी पंजाब में, बलूचिस्तान में और अब पख्तूनख्वा में भी ये सैलाब का सिलसिला चल रहा है। ये पूरा पाकिस्तान के लिए एक इम्तिहान है। हम आपके इस बात को बिल्कुल इंडोर्स करते हैं कि ये सियासत की नहीं खिदमत का टाइम आ गया है और हम सब के लिए एक इम्तिहान है कि पाकिस्तान के सारे सियासी जमातें को एक होकर इस मुश्किल का मुकाबला करना पड़ेगा ताकि हम शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में अपने अवाम का रिलीफ, रिहेबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन का सोच सकते हैं। फौरी तौर पे इस वक्त हमें रिलीफ और रेस्क्यू पे लगे हुए हैं। आगे जाके इंशाल्लाह ताला हम ना सिर्फ जो हमारा आवाम का घरों को नुकसान पहुंचाया गया है लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया गया है उसको भी देखेंगे। इस वक्त हम मीडिया से और अब पूरा कौम से अपील करते हैं कि जो भी इमदाद दिया जा सकता है, जो भी मदद दिया जा सकता है वो हम वेलकम करते हैं। हमारा सबसे जो इस वक्त ज़रूरी चीज़ है वो टेंट्स है।
सूबाई हुकूमत वफाकी हुकूमत अपने तरफ से जितना कर सकते हैं कर रहे हैं, जिनके पास भी टेंस होंगे वो अगर आप पहुँचा सकते हैं मदद दे सकते हैं तो ये हमारा सबसे पहले ज़रूरत है। सेकंड ज़रूरियात जो हमारा है वो राशन्स का सिलसिला है, जो सारे यहाँ के लोग मिलके मदद कर रहे हैं, हुकूमत भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, जो भी इस पे पिचन कर सकते वो हमारा एफर्ट्स का दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। आगे जाके इंशाल्लाह ताला हम आपको सखर बराज दिखाएंगे कि वहाँ का सैलाब का सूरत हाल क्या है, फिर हम जो हेलीकॉप्टर के थ्रू पूरा इस लेफ्ट बैंक की तरफ जो नुकसान हुआ है वो आपको इंशाल्लाह ताला दिखाएंगे। शाह साहब वजी, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, चेयरमैन बिलावल साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस मुश्किल वक्त में वो सिंध आए हैं और उन्होंने अपने आँखों से तकलीफ़ देखी है जो लोगों को इस वक्त हो रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वफाक के साथ मिलके हम इस मुश्किल वक्त में, इस मुश्किल घड़ी में सबकी रहनुमाई के साथ, सब पॉलिटिकल पार्टीज़ की ये अपील है और ख़ास तौर पर मैंने कल भी कहा था मीडिया से अपील है कि आप भले सिंध हुकूमत को क्रिटिसाइज़ करें लेकिन इधर आएँ और लोगों की हालत देखें ताकि हमें इंटरनेशनल मदद भी मिल सके। हमें इस वक्त इक्विपमेंट की सख्त ज़रूरत है, वो इक्विपमेंट जिसमें टेंट्स, जैसे चेयरमैन बिलावल साहब ने कहा, टेंट्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मॉस्किटो नेट्स और राशन्स, जो भी मदद कर सकता है। मैं मुखियर हजरात से, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, सबसे कहूँगा कि इस वक्त खुद आएँ और लोगों की मदद करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को सिंध आमद पर खुश आमदेद कहता हूँ और यकीनन प्राइम मिनिस्टर साहब की इस बात से और बिलावल साहब की इस बात से इतफाक़ करता हूँ कि यह वक्त जो है वो बिला तफरीक खिदमत का है और इस वक्त पूरा मुल्क इस आफत से है। पहले तो हमें इज्तमाई तौर पर अल्लाह के हुजूर पेश होकर तौबा करनी चाहिए, इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए और बिला तफरीक, ये मैं नहीं समझता कि कोई वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमतें इस नुकसान को पूरा कर सकती हैं। तमाम प्राइवेट कंपनीज़ को, ज़ाती तौर पर लोगों को भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना होगा, मिलकर इस आफत को जो है वो पीछे धकेल कर लोगों की तामीर और तरक्की के लिए काम करना होगा। जमीयत उलमा इस्लाम इस अवामी तरक्की और फलाह बहबूद के लिए इंशाअल्लाह पीडीएम के इस हुक्मरान जमात के साथ मिलकर काम करेगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह पाकिस्तानी आवाम ने पहले इन मुश्किलात का सामना करके इन मुश्किलात को पीछे किया है और आगे बढ़े हैं, हम इंशाअल्लाह इस मुश्किल से भी निकलेंगे और मुल्क को मजबूत मुल्क बनाएंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा कि जो लोग मुतासिर हुए हैं सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत मिलकर उनकी बेहतर खिदमत करेगी। थैंक यू। काफ़ी हद तक 10-10 लाख रुपए की जो कॉम्पनसेशन है वो दी जा चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ मरहले बाकी हैं, वो पूरे किए जा रहे हैं। यहाँ पर मैंने जो इंतजाम देखे हैं सिंध हुकूमत की तरफ से वो इंतहाई हौसला बख्श और इंतहाई तसली बख्श और शानदार हैं। उसके लिए मैं मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो साहब को, चेयरमैन पीपल्स पार्टी, और जनाब मेरे भाई शाह साहब जो वज़ीर आला सिंध मौजूद हैं, और उनकी पूरी टीम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि वो बड़े एहसन तरीके से दिन रात मेहनत कर रहे हैं और यकीनन साथ जो हमारी जो इत्तेहादी पार्टियों के जो यहाँ पर शाह साहब मौजूद हैं और बाकी एमक्यूएम के साथी मौजूद हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि JUI के नुमाइंदे हैं, हम सब की एक मखलूत हुकूमत है, ये मिलकर काम कर रहे हैं। मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ और इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज हमने अभी प्रेजेंटेशन दी है सखर बराज के ऊपर, जो यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी साहब ने और जनाब वज़ीर आला सिंध ने दी है, तो जो नुकसानात बेअंदाज़ा नुकसानात हुए हैं, बेअंदाज़ा, जिसका कोई तखमीना अगर मैं आज कहूँ तो वो शायद मुमकिन नहीं है। लेकिन हमने जो ये जो 10-10 लाख रुपया वफाक की तरफ दिए, 24,000 रुपये फ़ी ख़ानदान जो मुतासर ख़ानदान पूरे पाकिस्तान में, सिंध में, बलूचिस्तान में, KP में और जनूबी पंजाब में, उनको हमने 24,000 रुपया वफाक की तरफ से जो बेस्ट जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, मोहतरमा शहीद के नाम पर वो एक इदारा है, उनके ज़रिए एक बहुत ही शानदार और जामे इदारा है, इनके पास
सारी इंफॉर्मेशन, सारी इनके पास डाटा है, इससे बेहतर कोई कॉन्ड्यूट हो नहीं सकता। तो इनके ज़रिए हमने 28 अरब रुपए की रकम हमने दे दी है बिस्प को, और वो बलूचिस्तान से स्टार्ट लिया, अब आज से सिंध में वो उसका इजरा कर रहे हैं। एक हफ्ते का मैंने टाइम दिया है कि एक हफ्ते में 28 अरब रुपए की आपने 25,000 रुपये फी कस आपने ख़ानदानों को पहुँचाना है। उन्होंने वादा किया है, जन साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी मैंने कमिटमेंट लिया और इंशाल्लाह ये हम हर जगह पहुँचाएँगे। मगर इसमें बहुत अब तेज़ी से इजाफा हो रहा है सिंध के अंदर, जो तूफ़ानी बारिशों जो तबाही हुई है, इसमें अब कितना जाके 28 अरब से कितना बढ़ेगा, ये अब जब हम तखमीना लगा के जब हम बाकी मानदा जो ख़ानदानों को शरीक करेंगे तो उसको इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो वफाक मिलकर इंशाल्लाह हम इस काम को हम मंतकी इंजाम तक अच्छे तरीके से, ऐसन तरीके से पहुँचाएँगे, शफाफ तरीके से, इंतहाई शफाफ तरीके से। इसी तरह आज हमने जो सिंध में जो बेपनाह तबाही हुई, बेपनाह, मेरा नहीं ख्याल के 40 सालों में इतनी बारिशें से ज़्यादा पहले हुई हों, तो जहाँ पर इनका बेपनाह फसलों का नुकसान हुआ है, यहाँ पर माल मवेशी बह गए, घर बार बह गए, तो हमने 15 वफाक की तरफ से 15 अरब रुपए की ग्रांट सिंध हुकूमत को हमने हवाले की है। इंशाल्लाह वो जल्द इनको आइंदा चंद दिनों में मिल जाएगी, और ये अब इनके ऊपर है, एनडीए में इनके साथ कोऑर्डिनेट करेगा, लेकिन जिम्मेदारी अब मेरे भाई बिलावल भुट्टो साहब के बहुत ताकतवर कंधों पे है, और जनाब तजुर्बेकार चीफ मिनिस्टर के कंधों पे हैं, एनडीएम के कंधों पे है कि वो मिलकर इसको करें। ये ग्रांट है, इन्होंने पहले ब्रिज बनाना है, इन्होंने कोई और कम, ये इनकी जवाबदेही पर है, इन्होंने फैसला करना है कि इस 15 अरब रुपए को किस तरह इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मुझे एक बात का पूरा यकीन है इंशाल्लाह कि ये सब मिलकर इंतहाई शफाफ तरीके से, इंतहाई ईमानदारी से, मुझे कोई शक नहीं इसमें कि घर घर जाएंगे, हर जगह ये इमदाद पहुँचाएँगे, ब्रिज बनाना है, सड़क बनानी है, ये इंशाल्लाह ये करेंगे। और अगर इनको अपना हमारी FW की ज़रूरत है, NLC उनके ज़रिए बनाना है, ये इनकी मर्ज़ी है, किसी और से बनाना है ये इनकी मर्ज़ी है, या मैं फ़ैसला इन पर छोड़ता हूँ, क्योंकि ये ग्रांट अब फैसला इन्होंने करना है, एक्सिक्यूट इन्होंने करना है NDM की पूरी कोऑर्डिनेशन के साथ। मुझे इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि ये अपना इस काम से दीन और दुनिया दोनों कमाएंगे इंशाल्लाह ताला। फिर हम बैठेंगे जॉइंट सर्वे के बाद कि सूबों ने क्या हिस्सा डालना है। देखिए एक बात मैं बड़ी वाज तौर पर करना चाहता हूँ कि जो लास्ट NFC अवार्ड हुआ था 2010 का, उसमें 58% जो फेडरल जो कटौतियों के बाद 58% सूबों को जाता है, 58%, बाकी फिर उससे जो वफाक की तनख्वाहें और आर्म फोर्सेस की तनख्वाहें और जो कर्ज़ है उसका सूद अदा किया जाता है। बाज़ुकात तो वो जो ये जो तीन मदात है वो भी पूरे नहीं होती जो, लेकिन कह मैं जा रहा हूँ कि 18वीं तरमीम में जो कि एक बड़ा एक शानदार एक अचीवमेंट है, उसके तहत अब सूबों का हिस्सा ज़्यादा है, लेकिन ये वफाक है चारों सूबों की, आज़ाद कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, हमने मिलकर इंशाल्लाह हमने इस वक्त को हमने इंशाल्लाह नेगोशिएट करना है। मैं आज आपसे इन कैमरास के ज़रिए पूरी कौम के मुख़य्यर हज़रात को सिंध में, कराची में, सखर में, हैदराबाद में, लाहौर में, फैसलाबाद में, सियालकोट में, पेशावर में, कोयटा में, मैं तमाम मुख़य्यर हज़रात को, कारोबारी हज़रात को जो जिनको अल्लाह ताला ने बहुत नेमतें दी हैं, रिस्क हलाल कमाते हैं, उनसे मैं दर्दमंदाना अपील कर रहा हूँ कि आप आगे बढ़ें और इस वक्त दुखी इंसानियत का हाथ थामें और वज़ीर आज़म जो अकाउंट है उसमें पैसे जमा कराएं। अगर आपने ख़ुद आके टेंट, अद्वियात, खुराक देनी तो आप आएं बड़े शौक़ से, आप अशिया दें, आप दें और दीन और दुनिया दोनों कमाएं, अपने रिस्क हलाल से हिस्सा डालकर आज पूरी कौम की नज़रें आपकी तरफ लगी हैं। NDMA ने अल्हम्दुलिल्लाह अपना मॉस्किटो नेट्स का इंतज़ाम किया है, अल्हम्दुलिल्लाह 15 लाख मॉस्किटो नेट्स हम सिंध हुकूमत के हवाले कर रहे हैं और 5 लाख हम अपने बलूचिस्तान की हुकूमत के उनके हवाले कर रहे हैं। 100 टन हमें गिफ्ट मिला, तोहफा मिला है, और मैं नाम बताना चाहिए उसका, नेस्ले ने 100 टन ये गिफ्ट किया है, 80 टन ये गिफ्ट ये सिंध को जा रहा है और 20 टन गिफ्ट जो है पानी का हम बलूचिस्तान को दे रहे हैं।
इसके अलावा कल रात मैंने मीटिंग्स की हैं और हमने कमेटीज बना दी हैं और उन कमेटीज पानी, साफ़ पीने का पानी सिंध बलूचिस्तान और केपी और जनूबी पंजाब के लिए, टेंट्स चारों सूबों के लिए और गिलगित बल्तिस्तान उनके लिए और आज़ाद कश्मीर के लिए, और ख़ुराक अद्वियात के लिए सूबे पीडीएमए ख़ुद काम कर रहे हैं, एनडीएमए फेडरल हेल्थ जो है वो भी इंशाल्लाह इसके लिए जो कुछ होगा बताएगा। लेकिन तीन मदात में टेंट्स, पानी, मॉस्किटो नेट्स और साथ खुराक, इसके लिए हम अपना एनडीएमए मिल के सूबों के साथ इंशाल्लाह अपना पूरा हिस्सा डालेंगे। और जिस तरह मैंने कहा कि ये मिला और मैं इंशाल्लाह आज मैंने सुबह मीटिंग की है पाकिस्तान के जो बरादर ममालिक के सफ़ीरों से, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के सफ़ीरों से, जिसमें मिडल ईस्ट गल्फ कंट्रीज़ के सफ़ीर थे, अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, जापान, चाइना, जो हमारे बड़े दोस्त ममालिक, सब आज आए थे और उनसे हमने अपील किया कि ये इस वक्त इतना बड़ा चैलेंज है कि हम अकेले इनको मीट नहीं कर सकेंगे, आप इसमें इस कार्य खैर में हिस्सा डालें, तो इंशाल्लाह वो भी इसमें करेंगे। मैं आज उनसे मज़ीद उनसे बातचीत करूँगा। और पहले फेज़ में जी बिल्कुल, जब मैं बलूचिस्तान गया था तो पहले फेज़ में बलूचिस्तान को हम 60 टन साफ पीने का पानी मुहैया कर चुके हैं। अब ये जो खेप आई है 20 टन और करेंगे, और कोई कदगन नहीं है, जो कुछ भी होगा हम इंशाल्लाह इस दुखी अपने भाइयों और बहनों के हवाले करेंगे। आज मैं जब मैं कैंप में था तो मुझे एक मेरी बहन खातून ने कहा कि वादी सिंधी बोल रही थी, कुछ वो बात कर रही थी, थोड़ी बहुत जेल में मैंने सिंधी सीखी हुई, मैंने भी थोड़ी बहुत मानू खादो वादो ना छोटो मानू खादो, तो ये चार चीज़ें मैं भी जानता हूँ, सुभाने और सब कुछ उन्हें मुझे एक उस्ताद ने सिखाया था। तो मुझे कहने के कि भाई तुम हो तो पंजाब के मगर काम करते, मैंने कहा मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पहले पाकिस्तानी हूँ उसके बाद कुछ और, ये मैं यहाँ पर बतौर एक पाकिस्तानी आया हूँ और पाकिस्तान है हम सब की पहचान है पाकिस्तान से, तो इंशाल्लाह हम बतौर पाकिस्तानी मिलके काम करेंगे। कोई सिंधी, पंजाबी, बलोच, पठान की बात नहीं है, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की बात है। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि सिंध की हुकूमत, बलोचिस्तान की हुकूमत, केपी की और पंजाब की दिन रात काम करेंगे, हम मिलकर हाथ बटाएँगे, अल्लाह ताला हमें इस मुश्किल वक्त से दूर हमें निकाल देगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद। बिल्कुल, इसमें पहली बात तो ये है कि यानी बारिशों की एक बिल्कुल ठीक थी, बारिशों का वार्निंग आई थी, लेकिन किसी को भी नहीं अंदाज़ा था कि अब देखें कि सिंध में जो ये आखिरी रेला जो आया बारिशों का, वो पिछले 30 साल के रिकॉर्ड को बीट कर गया है, और जो औसतन बारिश 30 साल की हुई 3 गुना ज़्यादा, बाज़ जगहों पर तो 4 गुना ज़्यादा, 7 गुना ज़्यादा, तो औसत जो है वो तो ये इसका तो ये तो देखना क्लाइमेट चेंज की जो अब हम कार्बन एमिशन जो हैं पाकिस्तान उन ममालिक में है जिसने पूरी तरह अंडर कंट्रोल है, जो भी बेंच पर रखेंगे जो ममालिक कार्बन मिशन छोड़ते हैं भुगत हम आज रहे हैं, लेकिन इस ये बात को रदा करेंगे तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि ये वक्त किसी को दोष देने का नहीं, हिम्मत दिलाने का है, सताइश देने का है और आगे बढ़ने का है। पानी की बात जो आपने दुरुस्त कही, जितने भी हम ऊपर नॉर्थ में हम बनाएंगे डैम्स और रिजर्वॉयर्स, उतना इस मुल्क का फ़ायदा होगा और फ्लड से हमारी जान छूटेगी। सर ये है कि सखर बैराज मुख्तलिफ अवकात में जो है वो सैलाब की हालात का सामना कर रही है, 2010 में भी बड़ी क्राइसिस थी, यहाँ से जो है वो बैराज में टूटने का बड़ा खर्चा हो रहा था, और इसकी जो लिमिट है, जो मतलब एक्सपायरी डेट है, वो भी कब की ख़त्म हो चुकी है, तो सखर बैराज में समझे कि रीढ़ की हड्डी रखती है यहाँ सिंध की मैशियत की एग्रीकल्चर के हवाले से, तो सखर बैराज का मुतबादल बना रहे हैं या इस पर कोई काम हो रहा है? देखिए मैं अभी रास्ते में जनाब शाह साहब से बात हो रही थी, बिलावल भुट्टो साहब से भी मुझे बता रहे थे, खुर्शीद शाह साहब इसके बड़े दाई हैं कि हमें इसको बनाना चाहिए नया, लेकिन जो इनकी जो
گفتگو سے میں نے اندازہ کیا کہ بیراج الحمدللہ بڑا ابھی بھی مضبوط اور ٹھیک کام کر رہا ہے۔ سر ایک جانب تو ہمارے ملک میں سیلابی صورت حال ہے، بارشوں نے تباہی مچا دی، اسی جانب بھارت کی جانب سے آپ بھی دہشت گردی کی جا رہی ہے موجودہ دور میں، ابھی بھی وہاں سے پانی چھوڑا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ہمارے جو مسائل ہیں دن بہ دن بڑھ رہے ہیں۔ دوسرا سوال سر میرا یہ بھی تھا کہ میڈیا جو ہے اپنا رول ادا کر رہا ہے لیکن ابھی بھی اس کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اے آر وائی کی نشریات کئی روز سے بند ہے، کورٹ نے بھی آرڈر دے دیے کہ اے آر وائی کی نشریات کو بحال کیا جائے، تو سر اس حوالے سے لوگوں کی آواز عوام تک آپ تک کیسے پہنچے گی؟ دیکھیے یہ بات تو آپ پیمرا سے پوچھیں، ہم جمہوری جو ہیں روایات اس کے حامی ہیں، ہم نے اپنا متحدہ اپوزیشن نے قربانیاں دی ہیں، دیکھیں پلیز۔ اب سیاست کی بات یہاں مناسب نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ نے سوال کر دیا تو میں دکھ ہی دل سے کہتا ہوں، جب مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں گرفتار ہوئیں تو اس وقت جس کا نام لیا ہے یا بات چل، وہ کہاں تھے؟ یہ موقع سیاست کا نہیں ہے، جب آئے گا تو میں جواب دوں گا۔ جس طرح سے ملک میں بڑی تباہی آئی ہے آپ فیس کر رہے ہیں، یہ بہت اچھا کام ہے، جب حکومتیں بنتی ہیں تو اسمبلیوں سے ممبران خریدے جاتے ہیں، اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں، لیکن اب جب اتنی بڑی تباہی آئی ہے، آپ کا بڑا خاندان ہے، بلال بھٹو صاحب کا بڑا خاندان ہے، تو اس حوالے سے بھی آپ جو ہے شیئر کر سکتے ہیں، جس طرح سے آپ مشیر حضرات کو کہہ رہے ہیں آپ بھی اپنی جیب سے کر سکتے ہیں، کہ یہ دوسرے سندھ حکومت کی جانب سے چھوٹے چھوٹے جو ملازم ہیں ان کے دو دن کی تنخواہیں کاٹی گئی ہے، وہ خود متاثر ہوئے، وہ خود پریشان ہیں، اب جو ہے سیاسی طور پر گرفتاریاں بھی ہو رہی ہے، آزاد بھی کیے جا رہے ہیں لوگوں کو، لیکن جو ہے متاثر ہے وہ ابھی تک بے یار مددگار ہے، خیمے تک نہیں دیے گئے، راشن تک نہیں لیا گیا، پیش کی اطلاعات باوجود بھی میں نے آپ کو پوری تفصیل بتا دی ہے۔ ابھی تک پی ڈی ایم اے جو سندھ کا ہے کتنے 80,000 دیا، 86,000 ٹینٹس جو مجھے بتایا گیا یہ دے چکے ہیں، ابھی میں نے دیکھی ہے 86,000 ٹینٹس، 11,000 ٹینٹ جو ہے اس میں سے 8,500 مل چکا ہے، 11,000 اور 15,000 جی 1900 بڑے شیلٹر ٹینٹ، ہاں 1900 بڑے جہاں پر اپنا بڑے بہت زیادہ خاندان آ سکتے ہیں وہ بڑے شیلٹر ٹینٹ دے دیے ہیں، 15,000 ماسکیٹو نیٹس اگلے 4 دن میں پہنچ جائیں گے، 80 ٹن پانی جو گفٹ ملا ہے، ہم ان کو اللہ میاں بہت ان کے درجے بلند کرے جنہوں نے یہ کیا، وہ یہاں پر ہم کر رہے ہیں، تو صوبہ بھی اپنا حق ادا کر رہا ہے، ہم بھی پوری کوشش کر رہے ہیں، 15 ارب روپیہ یہ جو یہ میری جیب سے نہیں، پاکستان کے عوام کا پیسہ ہے، ٹیکس پیئرس کا پیسہ ہے، وہ ان کو دی جا رہی گرانٹ، اور آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ یہ صحیح جگہ پہنچے گا، حقدار کو پہنچے گا، اور دوسری بات کہ مخیرات کو انشاءاللہ جو بھی استعداد ہوا انشاءاللہ خاموشی سے کریں گے۔ بتائی جاتی ہے بس 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 رشید صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ یہ ریلیف کا کام اور یہ ریہیبلیٹیشنز کا کام کب تک مکمل ہو جائے گا، کب تک یہ شروع ہوگا، یا کب تک آپ یہ دیکھیے یہ ابھی میں جب جہاز سے اتر رہا تھا تو مجھ سے ایک میرے ساتھی نے سوال کیا کہ شہباز شریف صاحب کتنے عرصے میں یہ کام مکمل ہوگا، اس کے 3 فیزز ہیں، پہلا ہے ریسکیو اور ریلیف جو اس کا جاری ہے، جو سب یہ دوست یہ کر رہے ہیں جگہ جگہ لاڑکانہ میں اور شداد کوٹ کہاں کہاں بیچارے یہ جا رہے ہیں، دن رات پھر رہے ہیں، موسم خراب، آج دھوپ نکلی ہے، تو پہلا ہے ریسکیو ریلیف کہ ریسکیو کیا جائے، افواج پاکستان میدان میں ہیں، دن رات وہ کام کر رہی ہیں، بوٹس دے رہی ہیں، ان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز پولیس کام کر رہی ہے، سب کام مل کے کر رہے ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو ہے ریہیبلیٹیشن، ان کو گھروں میں ان کے وہ اپنے گھروں میں جائیں، آباد ہوں، فصلوں کے کمپنسیشن۔ نمبر 3 وہ ہے آپ کا جو انفراسٹرکچر تباہ ہو اس کی ریپیئر مینٹیننس، یہ ہیں 3 اس کا یہ شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم۔ شارٹ ٹرم میڈیم ٹرم تو میں سمجھتا ہوں کہ اگلے چند ہفتوں میں یہ کام مکمل ہو جانا چاہیے، میڈیم ٹرم بھی اگلے مہینے ڈیڑھ مہینے مکمل ہونا چاہیے، جو لانگ ٹرم ہے جتنی ہم کوشش سے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں کہ وہ وسائل مہیا کریں تاکہ فلائی اوور، سڑکیں، بڑکیں وہ رپیئر ہوں، اسکول، ہسپتال، مجھے بتا رہے تھے کہ ہسپتال بند پڑے ہیں، پانی ہر جگہ گزر گیا ہے، اس لیے آپ حوصلہ رکھیں، مل کے کام کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ۔ وزیراعظم شہباز شریف سکھر بیراج پر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، ان کی جانب سے کہا گیا کہ امدادی کارروائیاں تیزی سے جاری ہیں، اور انہوں نے بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی تعریف بھی کی، اور این ڈی ایم اے کو بھی ہدایت جاری کی کہ تمام تر جو کیمپس اور جو ٹینٹس فراہم کیے گئے ہیں
वो मुतासरीन सैलाब तक पहुँचाए जाएँ। इसके अलावा उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि खुराक की जो किल्लत पैदा हुई है इस हवाले से भी कार्रवाइयाँ जारी हैं और जल्द अज़ जल्द कोशिश की जाएगी कि जितने भी सैलाब मुतासर इलाके हैं वहाँ पर इमदाद पहुँचाई जाए और जितने भी सैलाब मुतासरीन हैं उन तक इमदाद पहुँचाई जा सकें।